आज हम देखेंगे फरिश्ता मूवी का ट्रेलर, जो कि खेसारी लाल की एक और मूवी आ रही है। एक ही मंथ के अंदर शायद तीन ट्रेलर आ गए इनके, है ना? वन बाय वन, मंथ बाय वन, मंथ बाय वन। तो देख लेते हैं, एक टीजर आया, दो ट्रेलर आए हैं। टीजर पे भी हम रिएक्शन दे चुके हैं, इससे पहले एक ट्रेलर आया जिसपे हम रिएक्शन नहीं दिया अपराधी मूवी पे, लेकिन फरिश्ता पे हम रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि फरिश्ता का ट्रेलर पर रिएक्शन दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं भाई। देखो फरिश्ता मेगा सीरियस मूवी। पाद सेवनो वेलिगे वरमे स्वामी। प्रोडक्शन हाउस साउथ का नहीं है। हम तो भगवान से हमेशा ये दुआ करें कि अगर मरल मुंह भी देखे ना पड़े। हम तो जानत रहनी कि अभागा मनहूस कहीं मर खप गई, लेकिन हमार किस्मत में ही मनहूस के शक्ल दोबारा देखे के लिखल है। हूँ अभागा बेटा है, चिमाई बाप रहते हैं, हाथ की जिंदगी जिया था। अब तो पागल हो गए। हम पागल हैं। नाम राशन कार्ड से काट दे, ना ही हमार बेटा रहे ना हो। हर दाम माई बाप के सेवा में है लगल रहला। हर दाम माई बाप के सेवा में है लगल रहला। एक दुनिया पागल कहला। माई भूख लागल बा। तू पागल ना, तू तो हमार राजा बेटा पाड़ा। काजी ये पागल यही चल रही का? रह दो पागले तो बा, हमने के कहा ले ली। ए हाय धारी, तनी धो के चमका दी तो एक रोके। हो भाभीया काम करवा रही है। तू ओकरा पीछे मत जा, ओकरा अपन सुन ले के। वो तोहरा के कैसे पहचानी? जाग ले रही है लो। अच्छे हो गए। अरे माये, ये पागल से के ब्याह करी? खाली दिमाग ही ना कम बा, बाकी हाथ घोर तो सब निम्न पाना। इसमें अच्छे हो जाएंगे पागल। सारे लोग लाख रुपीस साया से भी नफरत हो गई। हम बहुत कोशिश कर दी कि बाबूजी के दिल में जगह बना ले, लेकिन शायद अपना नसीब में प्यार नहीं। अपने आपन ना भइल सभे गैर हो गइल। दुनिया के मालिक देखो कौन साजा सबसे पगले बना दी, पगले बना दी राम जी, पगले बना दी। पगले बना दी भाई, ये कॉन्सेप्ट भी तगड़ा है यार, ये कुछ अलग लेके आ रहे हैं यार, मजा आया देख के ना। फरिश्ता नाम है भाई। तो यार ये किसके लिए फरिश्ता बनने वाले हैं, या इनके लिए कोई बनने वाला है फरिश्ता? ये आई थिंक इनकी जो गर्लफ्रेंड रहने वाली है या वाइफ रहने वाली है, वो इनके लिए फरिश्ता बनने वाली होगी। हाँ, कुछ जो इनको सुधार देती होगी। हाँ। और वक्त वक्त बदलता है तो कैसे क्या मूवमेंट होते हैं ये इसमें देखने वाले। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट कुछ अलग, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लिया है, मजा आएगा देख के। और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक हो जा रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जो किया है इन्होंने ट्रेलर में, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कि इन्होंने कंफ्यूज किया सोचने पर कि स्टोरी क्या है, पहले ही अच्छे है या बाद में ही अच्छे हो जाएंगे। मतलब ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि पहले ही अच्छे थे, फिर इनका पहले स्टार्टिंग होगी मूवी की, इनको पागल बताएंगे, फिर इनका फ्लैशबैक चलेगा, फिर वापस करंट में आएंगे, और फिर करंट में वो
पागल से अच्छे हो जाएंगे, ये स्टोरी रहेगी बेसिकली। लेकिन वो क्यों होगा, कैसे होगा, उसको दिखाने का तरीका क्या होगा, ये सब कुछ डायरेक्टर पर निर्भर है। तो अब एस एस रेडी जो डायरेक्टर हैं इसके, उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो क्या करने वाला है इसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि ये मूवी अच्छी होने वाली है, स्टोरी देख के तो लग रहा है कि हाँ भाई दम है स्टोरी में। स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका अगर अच्छा हुआ तो मजा आएगी। और जहाँ तक लग रहा है एसएस रेड्डी मुझे साउथ के लग रहे हैं डायरेक्टर भी, और हो सकता है अगर ये साउथ के डायरेक्टर हो तो थोड़ा स्टोरी को बड़े तरीके से दिखा भी सकते हैं, क्योंकि साउथ के डायरेक्टर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं आजकल। तो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है जो हम सोच रहे हैं। बिल्कुल हो सकता। तो मूवी अगर दिखाने का तरीका अच्छा रहा तो भाई 101% ये मूवी सुपर सक्सेसफुल होने वाली है। और पारिवारिक मूवी, पूरे परिवार के साथ जाके देख सकते हैं, मेन चीज़ ये बात है। सीख भी मिल रही है, बहुत कुछ है इस मूवी के अंदर। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से, खेसारी लाल। तो दो तीन इनके जो लुक दिखाए ना इसमें काफ़ी अच्छे लगे, मतलब ये मेहनत बहुत कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, ये तो बहुत मानना पड़ेगी। एक माचो वाला, एक वो पागल वाला, तो कैसा बनाया बहुत ज़्यादा। एक वो पागल वाला, वो तो बहुत खतरनाक एक्टिंग करी है इन्होंने, मानना पड़ेगा। दूसरा फिर वो थोड़ा ठीक हो जाता है पागल, तो छोटे छोटे बाल में आ जाता है, फिर थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट बता देते हैं वो। एक्शन भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब वो बिजनेस वाला बताया। और फिर सबसे लास्ट में वो रोते हुए दिखाया कि उनके बड़ा सब घर है उसमें, वो रोते हुए दिख रहे हैं उनकी। और तो चार लुक है इनके एक ही मूवी के अंदर, तो इट इज अमेजिंग कि उन्होंने कैसे लुक्स को मैनेज किया है। और जिस तरह जितना मुझे पता है कि भोजपुरी मूवी दो एक से दो महीने के अंदर ही बन जाती है, तो इन्होंने दो तीन महीने के अंदर इतने लुक्स पे काम किया, इट इज अमेजिंग। अगर ऐसा है तो, या तो इस मूवी को बनने में टाइम लगा है, दोनों कुछ भी हो सकता है, बट टाइम लगा। मेरे को कहीं कहीं सीन में ऐसा भी लग रहा था कि एक दो साल पहले का सीन है ये। हाँ, वो दुबले लग रहे थे जिस सीन में ना, तो लग ऐसा। ये भी हो सकता है कि वो यार इन शेविंग से भी इंसान दुबला और मोटा दिखने लग जाता है, जिसके अभी तक कल तक के वीडियो में मेरा चेहरा थोड़ा मोटा दिख रहा था, आज थोड़ा शेव करेला है, फर्क पड़ता है कपड़ों से भी, फर्क पड़ता है और कपड़ों से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो तो उन्होंने कर लिया होगा मैनेज। बाकी हाँ, दम था ट्रेलर में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, कुछ और बोलना हो पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेक लव नॉट वॉर।